राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन 2.0 में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं विक्रम मूवी के मास इंटरवेयर फाइट सीन पे। और इससे पहले हमने देखा है कि मास्क मैन जो बिजॉय सर है उनकी मतलब एंट्री दिखाई थी लास्ट सीन में, और काफी मतलब ये सीन ऐसा था जिसमें हमने कैथी मूवी और विक्रम मूवी और अभी मतलब दोनों को लिंक कर लिया है। और अभी मतलब रुद्र प्रताप की जान पे बनी हुई है, तो अब देखते हैं कि अब मास्क मैन उसको मारने आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दीदी आप कौन है? आप मैगी बना रही थी ना, मुझे भूख लगी है। अच्छा, ये ऑफिस में शादी का माहौल है पूरा। पार्टी के अंदर ही मास्क पहन के इतने सारे बंदे थे। Super quick.
सब कुछ आता है इसको। वो क्या बात है, ये कुछ लेते हो ड्रग्स पता नहीं क्या है, उससे लेती एनर्जी आती है। ओ हाँ
क्या बात है, कौन सा एनर्जी मिल गया है यार। क्या कैमरे से खेला ये अभी, ये कितने लोग होंगे इनके साथ, प्रोफेशनल फाइटर्स। जब मुझे हैंडकफ लगा के मार दिया बुजुर्ग आपको। Goosebumps literally. So guys, ये था विक्रम मूवी का इंटरवेल मास फाइट सीन। और सच में ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो मास्क मैन है वही मतलब कमल हसन सर होंगे। और सच में जब उन्होंने मास्क हटाया लिटरली गूज बम्स आ गए थे और एकदम माइंड ब्लैंक हो गया था कि ये क्या दिखा दिया, मतलब एक बिल्कुल ही नया ट्विस्ट दिखाया। क्योंकि फर्स्ट मूवी के स्टार्ट में ही ये दिखा दिया जाता है कि ब्लास्ट के साथ और मास्क में उनको मारा है, और अब ये दिखा दिया कि यही मास्क मैन भी है, मतलब विजय सारे मास्क मैन। हाँ। फिर ये भी मतलब वो और इतने प्रोफेशनल्स दिखाए हैं, डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है मास्क मैन। और मतलब अभी तक ये पता नहीं चला कि वो सब ऐसा कर क्यों रहे हैं, रीजन क्या है। विजय सर का रीजन तो समझ आ सकता है कि उनकी वाइफ और डॉटर को मारा है, और मतलब उन्होंने अपने आप को मरा हुआ पहले क्यों साबित करा,
क्यों कर मतलब क्यों कर इतने सारे सवाल अब दिमाग में चल रहे हैं लाइव में सबके सामने अपना मास्क रिमूव किया और वो सबसे खतरनाक था जब वो मास्क हटाते हैं और फिर विजय सेतुपति के सामने ऐसे करके फिर उनको ऐसे खाने का करते सवाल लूंगा सबको मतलब अकेला ही मतलब खतरनाक सीन और पीछे जो बीजीएम बज रहा था ना वो इसको और ज्यादा पावर दे रहा था और जिस तरीके से कैमरे का यूज किया है ना इन्होंने पूरे फाइट सीन के अंदर वो स्पेशली जो मास्क मैन वाले फाइट सीन में जो कैमरा एंगल यूज किया ना वो इतना सही लग रहा था फाइट में और विजय सेतुपति सर का फाइट सीन तो अलग ही लेवल का था। वो तो जो एनर्जी के साथ मारते हैं ना जब तक बंदा मर नहीं जाता खाने के बाद जब्स खाने के बाद वो एक पिल मतलब एनर्जी तो पिल और ये सीन काफी कमाल का था मतलब सच में ऐसा सोचा नहीं था जो हमें देखने को मिल रहा है तो हम तो काफी 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 ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को आगे देखने के लिए और जल्दी से हम इसके ऊपर और रिएक्शन देके आएंगे। आपको ये सीन कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना और अभी करते इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पर यूं बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।